नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। और सर, इस वीडियो पर हम हैं मऊहाडी गांव का नाम है और फार्म है छोटू मशरूम फार्म और जिला जो है जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ है, यहां पे हैं। और यहां ये सामने की तरफ देखेंगे तो भाई साहब का फार्म है, इधर ये देखिए फार्म इधर है, उसके वीडियो हमने अलग से कवर किए हैं। और अभी खाना खा रहे हैं भाई साहब के यहाँ, ये देखिए खाना खा रहे हैं भाई साहब के यहाँ। और इसमें क्या क्या है प्रकाश? पापड़ है और ये पैराफुटू है, पैराफुटू और चटनी है और करेला और कुंदरुक साग डोड़का फुटू गलो है कथे। ठीक है, तो अभी हम खा रहे हैं खाना और इसके बाद चलेंगे अपने घर की तरफ। यहाँ से तकरीबन कितना 150-200 किलोमीटर होगा हमारा गांव और चलेंगे जांजगीर चांपा से उधर आगे। तो दोस्तों, पैराफुटू के फार्म में पैराफुटू की सब्जी खाकर हम लोग रेडी हो, अभी हमको जाना है अब घर। घर जाने के लिए रेडी हैं, लेकिन एक चीज और है, ये भाई साहब ने पैराफुटू दे दिया है, वो पैराफुटू दिखाता हूँ और आपको समझाता भी हूँ। ये है पैराफुटू, अब हम लोग घर जाकर बनाएंगे इसको। और ये अभी डोहरू वाला है ना भाई? हाँ, ये डोहरू वाला है और इनका फार्म हम कवर कर चुके हैं और डोहरू वाला पैराफुटू दिए हैं भाई साहब। और ये कितना देर तक रहेगा? ये आपका रात भर तक रह जाएगा, सुबह तक भी बनाएंगे? सुबह आराम से, सुबह तक। अच्छा, अभी ये खिलते जाएगा जैसे गाड़ी में हम रखेंगे तो खिलते जाएगा, लेकिन इसको बांध के नहीं रखना है, खुला रखना है बोल रहे हैं भैया, है ना? खुला रखना है इसको, बांध के नहीं, अपने आप खिलते जाएगा ये अभी? हाँ, खिलेगा अपने आप। हाँ, चलो आप घर जाके देखते हैं ये कितना खिला है, घर जाके देखेंगे कितना खिला ये। ठीक है, तो अभी ये देख रहे हैं, अभी डोहरू है, आप घर पहुंचेंगे, यहाँ से 150-200 किलोमीटर है तकरीबन, वहां पहुंचेंगे और देखते हैं ये कितना खिलता है। तो चलिए चलते हैं। यही मोल सीधा पड़ी सत्य कैसे करे भाई? ये भाई साहब को जाना है सारंगढ़, ये छोड़ देंगे बिर्रा, फिर कौन सा गांव? भटगांव छोड़ देंगे और हम लोग जाएंगे कहाँ यहाँ से? शिवरी नारायण से गिधौरी, रायपुर। ठीक है, ठीक। ये अभी हम कार में रख रहे हैं, चलो रखो, ये कार में हम अभी रख दे रहे हैं इसको और बहुत हिफाजत से रखेंगे और इसकी हिफाजत की पूरी जिम्मेदारी प्रेम के पास है। आगे हंसदेव नदी है और पीछे हम महानदी क्रॉस करके आ रहे हैं और प्रकाश तेरा पुल पे चल, आगे इसका संगम हो रहा होगा महानदी के साथ हंसदेव का। और ये जो नदी है ये कोरबा एरिया से जांजगीर चांपा होते हुए यहाँ तक पहुंच रही है और ये जरूर इधर महानदी के साथ आगे संगम होगा यहीं पे। हाँ, वो संगम दिखाई भी दे रहा है, उधर भी उधर ही हो रहा होगा संगम, ये देखिए, क्योंकि हमने महानदी क्रॉस किया है यहाँ पहुंचते वक्त और ये हंसदेव नदी यहाँ पे बह रही है। और हंसदेव में कितना पानी है थोड़ा आगे चल के दिखाते हैं, ये देखिए हंसदेव का पानी और महानदी से संगम है आगे, वो दिखाई दे रहा है, जैसे इसमें भी दिखाई दे रहा होगा, जूम करूंगा तो भी दिखेगा, ये महानदी का संगम आगे की तरह इसमें हो रहा है, ये देखिए। और ये हंसदेव नदी के बाद हम इधर शिवरी नारायण की तरफ बढ़ रहे हैं और शिवरी नारायण के बाद फिर से महानदी क्रॉस करेंगे। हम पहुंच चुके हैं शिवरी नारायण पे और देखिए यहाँ से शिवरी नारायण पार करेंगे, इधर शिवरी नारायण है, हम शिवरी नारायण के किनारे पर ही हैं। और ये देखिए नैला जांजगीर चांपा, ये यहाँ से खत्म हो जाएगा नैला जांजगीर चांपा और उस तरफ बड़ौदा बाजार डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाएगा और ये सामने महानदी दिखाई दे रही है और यहाँ बहुत खूबसूरत नजारे हैं महानदी के, देखेंगे आप तो बहुत शानदार। ये देखिए ये महानदी है, बहुत शानदार नजारे हैं महानदी के और इधर ये महानदी की चौड़ाई देख सकते हैं कितनी चौड़ी, बहुत चौड़ी है महानदी यहाँ पे। और इस साइड में दिखाऊं तो इस साइड भी जबरदस्त नजारे हैं महानदी के, देख रहे हैं आप बहुत शानदार नजारे महानदी के। और ये आगे जा रही और शिवरी नारायण में ही इधर पे संगम होगा, इधर संगम होगा शिवनाथ का शिवरी नारायण में और शिवरी नारायण से थोड़ी दूर पहले जोंक नदी का संगम होगा। शिवरी नारायण को त्रिवेणी संगम कहते हैं। अभी हम बलौदा बाजार जिले पे प्रवेश करेंगे। दोस्तों, अभी हम हैं गिधौरी पे और गिधौरी बकरी पालकों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है क्योंकि यहाँ गुरुवार के दिन बकरी मंडी लगती है, तो ये जानकारी बकरी वालों को देना था। अभी गिधौरी से आगे हम निकल रहे हैं।
हम कसडोल के तरफ पढ़ रहे हैं, कसडोल 19 किलोमीटर है, लेकिन यहीं से कट की गिधौरी के आगे हसुआ है, वहां से कट की आप जा सकते हैं गिरौदपुरी धाम। यहां से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर इस साइड पे गिरौदपुरी धाम है, आप वहां जा सकते हैं, गिधौरी के पास में ही है। और गिरौदपुरी जाने के लिए अच्छा रोड यही है कि रायपुर से खरोरा आइए, खरोरा से आगे लवन आइए, कसडोल आइए, और उसके बाद पीछे गिधौरी के पास से वो रास्ता कटता है जो गिरौदपुर जाता है। एक रास्ता और है पिथौरा होके नेशनल हाईवे 53 से, लेकिन ये रास्ता ज्यादा अच्छा है। अभी हम पहुंच चुके हैं अब जोग नदी, यही नदी जाके सिवरी नारायण पे, इधर जाके संगम होगा सिवरी नारायण पे महानदी से, और इधर गिरौदपुरी आएगा, गिरौदपुरी इसी नदी के किनारे है। ये जो हाईवे है 130B ये रायपुर से सारंगढ़ की तरफ जाती है और बहुत व्यस्त हाईवे है। सिवरी नारायण तक तो, ये गिधौरी तक तो बहुत व्यस्त रहती है। इसको 4 लेन होना चाहिए, बहुत सारी बसें गाड़ियां सब इसमें चलती है ना, क्योंकि जिसको सिवरी नारायण जाना है रायपुर से वो भी इसी में जाएगा, जिसको सारंगढ़ जाना है वो भी इसी में जाते हैं, जिनको गिरौदपुरी आना है वो भी इसी में आते हैं, कसडोल आना है वो भी आते हैं। तो ये बहुत व्यस्त सड़क है, ये NH 130B ये इसका नंबर है। दोस्तों हम कसडोल पहुंच गए और कसडोल पहुंचने के बाद ये 130B नेशनल हाईवे हम छोड़ दे रहे हैं और हम जा रहे हैं सिरपुर की तरफ। और सिरपुर की तरफ जाने का मतलब होता है कि हम जाकर निकलेंगे नेशनल हाईवे 53 पर तुमगांव में। अभी हम चल रहे हैं सिरपुर की तरफ और वहां पे हम निकलेंगे अभी, और तकरीबन 3 घंटा के आसपास हमारा गांव जो है अवसर पड़ेगा। इधर ये झरना जैसा दिख रहा है और इधर कसडोल है, और हम जा रहे हैं इधर सिरपुर की तरफ, सिरपुर की तरफ अभी बढ़ेंगे और उससे आगे तुमगांव आएगा। और इस रोड में एक चीज विशेष है, इधर पत्थर है, इधर पूरा पहाड़ी एरिया है, और इस रोड के इस तरफ मैदान शुरू होगा और इधर महानदी है। तो जैसे ही आप कसडोल से सिरपुर की तरफ बढ़ेंगे तो ये नज़ारे आपको देखने पड़ेंगे, इधर पहाड़ मतलब चट्टान देखने को मिलेगा, और यहाँ भी कहीं कहीं पे चट्टान दिखेगा, लेकिन आगे जब जाएंगे आप थोड़ी दूर आगे तो यहाँ महानदी है, और इसको रामगमन पथ कहते हैं, मतलब भगवान राम इस रास्ते पर चले हैं ऐसा माना जाता है। और इसमें सिरपुर आएगा, पहले तुरतुरिया आएगा फिर सिरपुर आएगा। अभी यहाँ से पार नवापारा 25 किलोमीटर है, और ये सामने सिरपुर आएगा, लेकिन जंगल की शुरुआत हो गई है। देखिए इधर पे है पार नवापारा अभ्यारण्य, और ये सिरपुर आएगा उस दूरी पर, और ये पूरा घनघोर जंगल चालू हो गया। तो दोस्तों हम फाइनली सिरपुर पहुंच गए हैं, और सिरपुर छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। सिर और छत्तीसगढ़ के इतिहास की जब चर्चा की जाएगी या करेंगे कभी भी या करते हैं तब सिरपुर का जिक्र होगा ही होगा। जैसे कि ये देख रहे हैं लक्ष्मण मंदिर है, ये लक्ष्मण मंदिर, और बहुत सारे बौद्ध विहार हैं, और सिरपुर पे ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ 10,000 छात्र पढ़ते थे। और ये सिरपुर के कंप्लीट वीडियो हमने किए हुए हैं, लक्ष्मण मंदिर का भी कंप्लीट वीडियो हमने किया है, और जो विश्वविद्यालय है उसका वीडियो भी हमने किया है बौद्ध विहार का, उसी के साथ हमने सिरपुर के जो मंदिर है उसका भी वीडियो किया हुआ है। मतलब सिरपुर के कंप्लीट वीडियो हैं, और उसके जो लिंक है आई बटन और डिस्क्रिप्शन में हम मैं दे रहा हूँ। इसी के साथ जिस पैराफोटो से हमने वीडियो शुरू किया था, पैराफोटो के फार्म का, उसका भी हम देंगे। और ये देखिए ये सिरपुर है, तो अभी एक और पड़ेगा वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, असल पे सामने पड़ेगा बौद्ध विहार, वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। बहुत सारे बौद्ध विहार हैं, और यहाँ इस पुरातन समय में एशिया का सबसे बड़ा बाजार का स्ट्रक्चर भी है। अब ये देखिए ये सब बौद्ध विहार के हिस्से हैं, मतलब जहाँ देखेंगे वहीं खुदाई पे निकला है सिरपुर। और सिरपुर इतना महत्वपूर्ण स्थल है कि यहाँ पे चीनी यात्री वेनसांग आए थे
और उन्हीं के यात्रा विवरण के अनुसार ही सिरपुर में खुदाई हुई है। ये देखिए, ये है तिवरदेव बौद्ध विहार और इसी में यूनिवर्सिटी शामिल था। और ये बहुत पुराना ऐतिहासिक स्थल है छत्तीसगढ़ का, और इसके कंप्लीट वीडियो हमने किए हुए हैं सिरपुर के, उसके लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा। और अभी हम चाय पीते हैं यहाँ। और ये किसी जमाने में छत्तीसगढ़ की ही नहीं दक्षिण कौशल की राजधानी रही है। ये जैसे मैं आपको दिखाऊं तो पोस्टर देख रहे हैं, पोस्टर पे लिखा है विश्व की सबसे बड़ी बौद्ध विरासत सिरपुर। और यहाँ जिधर भी देखेंगे उधर बौद्ध विहार दिखेगा आपको। और इसमें बहुत सारी जो साइट है अभी वहां खुदाई होना बाकी है। और जैसे मैं कह रहा था कि सिरपुर किसी जमाने में दक्षिण कौशल की राजधानी रही है, मतलब आज जो छत्तीसगढ़ है उससे भी बड़े क्षेत्र का, जिसमें उड़ीसा के भी कुछ हिस्से शामिल थे, उसकी राजधानी रही सिरपुर। और इसके सभी जगहों के, ज्यादातर जगहों के हमने वीडियो कवर किए हैं, उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी हम इस वीडियो पर इससे और आगे जाने वाले हैं, अभी चाय पीते हैं। इससे आगे तुमगांव आएगा, मतलब एक घर तक लेके जाएंगे इस वीडियो को हम। ये देखिए, इसमें सिरपुर का मैप दिखाया गया है। ये सिरपुर का पूरा मैप है, जहाँ पे हम खड़े हैं नीचे वो एक नंबर है। एक नंबर से बिल्कुल साइड हटेंगे तो आनंद प्रभु कुटी विहार है, और मैं आपको तिवरदेव बौद्ध विहार दिखा के आ रहा हूँ। फिर शिव मंदिर है, और उसके ऊपर बालेश्वर मंदिर समूह है, और फिर ऊपर देखेंगे तो बौद्ध विहार है, और इधर लक्ष्मण मंदिर है, राम मंदिर है, फिर बौद्ध स्तूप है 11 नंबर पे, और नीचे है पंचायतन, शिव मंदिर और पाठशाला। तो ये सारी चीजें हैं। फिर इसमें लक्ष्मण मंदिर भी है, उधर देख रहे हैं ये लक्ष्मण मंदिर है। इसमें से ज्यादातर जगहों के हमने वीडियो किए हैं, और वो वीडियो के लिंक जैसे मैं कह रहा हूँ कि आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर हम दे देंगे। ये भाई साहब मिले हैं, और इनका हमने पहले वीडियो किया हुआ है, और क्या नाम से था फार्म का नाम, गोठान में किए थे। आपका शुभ नाम क्या है? राजेंद्र रात्रे भाई साहब है, हमने वीडियो किया है, इनके वीडियो का भी लिंक आपको मिल जाएगा, सिरपुर से ही किया हुआ है। चल भाई अब चल सुनिए, ठीक है? ये भाई देख के ही सोती गोठान डाले आता, गोठान डाले आते, ठीक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं तुमगांव, तुमगांव से जाएंगे आरंग, और आरंग से जाएंगे इधर से आ रहे हैं, ठीक है? ठीक, चलते हैं, ठीक है? तो गुजरी सब ठीक है। अब हम सिरपुर से आगे निकल चुके हैं, और आप देख रहे हैं जंगल का नजारा, और इधर नेशनल हाईवे 53 पर ये रोड निकलेगा। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं नेशनल हाईवे 53 पर। इसमें सामने के तरफ रायपुर और पीछे के तरफ संबलपुर है, और इसमें हम आरंग तक चलेंगे, और शाम होने लगा है। और इधर एक प्लांट बनते हुए आप देख रहे हैं, इस पे हमारे एक पुराने मित्र जीएम हैं, अब उनसे हम थोड़ा मिलेंगे यहाँ पे जाकर। दोस्तों हम पेट्रोल डलाने और रुके हैं तुमगांव पे, और अभी फिर से हमने पेट्रोल डलाया है 999 का, तो अब हो गया टोटल 8000 हो गया, ठीक है। अभी तुमगांव से आगे आरंग आएगा, और आरंग से हम कटेंगे अपने गाँव तरफ। दोस्तों हमको आरंग से कटना था, लेकिन आरंग से हम कटे नहीं, और आ गए नया रायपुर। तो नया रायपुर से अभनपुर की तरफ बढ़ रहे हैं, और अभनपुर के बाद हम जाएंगे बीरेझर, और बीरेझर से कटेंगे। तो दोस्तों अब हम घर पहुंचने वाले हैं, बस यहां से थोड़ी दूरी पे घर है, अभी घर तक पहुंचते हैं, फिर फोटो का कंडीशन क्या है ये भी देखते हैं। ये हम घर आ गए, और अभी सामान उतारते हैं, अब एक एक सामान उतारते हैं, घर खुलवाते हैं पहले। लता ये फ्लफी भूख रहा है, लपी को हटा देना है? नहीं यार अभी तो, अरे रुक जाओ ना। हाँ तू तू शांत रह, अभी दूर रखना उसको, लाना मत, कहाँ कहाँ से आए हम लोग, लपी भूख रहा है, मतलब बुला रहा है वो, लेकिन अभी पास में नहीं जाएगी। आजा सब बैग वेग उतार रहे हम लोग इधर से,
हरीश भी आ गया है और इधर पे पैरा फोटो कहाँ बेटा हैं? एक चक्कर कहाँ है दी? ये दे दे उठाओ ला वो चपक रहे जी बच्चे रखे इसमें जस्ट तो कुछ नहीं है नहीं तो पैरा फोटो चपक दे क्या है कुछ नहीं है ना ये पैरा फोटो अभी कैसा है देखते हैं आ जा घर आ गए फ्लफी भी है डंडा बेसराम नो है ये बहिमान जो वो दिए हैं वो है ये देख ये बहिमान है ये फ्लफी खुश हो गया है अब मेरे पास आओ बोल रहा है रुक जा यार फ्लफी ये सब रख दे रहे ये ले पैरा फोटो ये पैरा फोटो अभी ठीक है अभी कल बनाएंगे आप इसको कल सुबह ही बना पाएंगे अभी कंडीशन ऐसे इसका ठीक बना और देखो ये जैसे उसने कहा था कि डोहरी है जाते तक फैल जाएगा तो ये अभी आते तक ये देखिए खुल गया है पूरा हो गया और ये भी पूरा हो गया है मिल ले थोड़ा हाँ मिलूंगा ना पहले हाथ पर धोऊंगा तब उसके पास जाऊंगा हरीश ओ बोर्ड ला निकाल दे बेटा हरीश बोर्ड निकाल रहा है और मोर मोबाइल कलर का हाँ देख हाँ ठीक है ये हरीश सब कुछ निकाल रहा है तो ये पैरा फुटू का वीडियो हम लोग कल बनाएंगे और पैरा फुटू बनाने का और जिसके फार्म का वीडियो किए हैं उनका और साथ में सिरपुर के सारे जगहों का वीडियो के लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर मैं दे दे रहा हूँ और सारे वीडियो आप जाके देख सकते हैं वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर लें धन्यवाद मैं ओम प्रकाश सर धन्यवाद